बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ MS बज़मी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बज़मी नामा। आज मेरे साथ एक बिल्ले मौजूद हैं और उनके पास काफ़ी सारी बिल्लियाँ भी हैं और आप देख सकते हैं उनके हाथों में इस वक्त गोद में दो शेरनियाँ, ओ मेरे मतलब बिल्लियाँ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। हुसैन शाहिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल हैं? तो ये आपने जो बिल्लियाँ रखी हुई हैं, कितने दिन आपको, कितने साल हो गए इनके साथ? तो आपकी उम्र 3 साल नहीं? नहीं, 11 साल। आपकी उम्र 11 साल है, तो 4 साल से आप इनको पाल रहे हैं? हाँ जी। क्या खुराक है इनकी, ये क्या खाती हैं? कैट फूड। कैट फूड, क्या खर्चा है उनका? 15,000 महीने का। महीने का 15,000। तो आपके पास टोटल कितनी है? ये है 4। 4 और भी आपके पास मेरे घर में है? हाँ जी। अच्छा, वो टोटल कितनी है? वो भी 4 है, 8 है टोटल। टोटल 8 है, तो 8 का 15,000 है या 4 का 15,000 है? जान दो इनको, जाने दो, खेलने दो। 4 का 15,000। तो आप इनसे शौक के लिए पाला हुआ या बिजनेस कारोबार करते हो? शौक। शौक है, कारोबार नहीं करते? नहीं। मुझे तो किसी ने खबर दी है कि ये जो हुसैन शाहिद का घर है, ये बच्चे बेचते भी हैं। कहीं तो जो बच्चे जाते हैं वो बेच देते हैं। कितने का बच्चा हो जाता है? 10-15,000 का एक बच्चा। इतना तो इंसान का बच्चा नहीं होता। इतने महंगे बिल्ली के बच्चे, क्या वजह है? ऐसे ही कारोबार होता है, ये लोग होता है। कारोबार होता है। तो मैंने सुना आपके पास एक बिल्ला है जिसका नाम मक्खन है, तो उसका नाम मक्खन क्यों है, कोई स्टोरी उसके पीछे है? क्या स्टोरी है? वैसे ही रख दिया। नहीं, कोई स्टोरी तो होगी ना? नहीं। क्या आप मक्खन खा रहे होंगे इस वजह से? नहीं। या मतलब कोई मक्खन वो खाता होगा आपको चुरा के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्यारा है ना, इससे प्यारा है, आपसे भी ज्यादा प्यारा है वो, वाइट है इससे ज्यादा। आप भी वाइट है वैसे। आपका नाम ही मक्खन है? नहीं, मेरा नाम हुसैन शाहिद। प्यार से मक्खन कहते होंगे आपको? हाँ। बिल्ले को भी मक्खन? दो मक्खन कर कैसा लगता है? अच्छा, तो ये जो बिल्लियाँ आपने रखी हुई हैं, इनकी कैसी कैसी आदत है? जब नाराज़ होती हैं या गुस्सा करती हैं तो क्या करती हैं? कभी कभी लड़ती हैं। आपको लड़ती हैं? नहीं नहीं, हाँ। वैसे ही खेलती हैं। किसके साथ? उदीप। तो जख्म भी करती हैं आपको? कभी कभी छोटे छोटे पंजे लग जाते हैं इनके खेलते हुए, पंजे लग जाते हैं। वैसे नहीं मारती? नहीं, जब बच्चे हो रहे हो तो फिर दोन में पतलो मुदोलो से फिर मारती हैं। तो जब ये खुश होती हैं तब क्या करती हैं? वैसे ही बैठी रहती हैं, कुछ नहीं करती, सो जाती हैं, खेलती रहती हैं। तो अगर मैंने ये पालनी हो तो मुझे क्या करना चाहिए ये पर्शियन कैट के लिए? खाना सही डालना चाहिए इसे। ये तो आप इतना खर्चा बता रहे हैं, 10-15,000 रुपये, ये तो बिल्ली तक महीने तक 3-4,000 होगा। इतना तो मेरे को है नहीं यार। तो उसमें मैंने स्पॉन्सर कर दे होगे? हाँ ठीक है, इन्हें बिल्ली मैं पाल लेता हूँ, उसका खर्चा आप उठा लो। बिल्ली भी फिर आप हमारे पास ही रखवा। नहीं, ये बिल्ली तो मैं अपने पास रखूँगा ना, तो ये जो आपकी बात सुनती है ना कि आपको उनको बुलाओ, इन जब बुलाते हो तो आपको फौरन आ जाती हैं? जब खेल रही हूँ वब नहीं आती। तब कब आती हैं? जब खाना डालना हो अब तो बड़े बाती तब तो कोई भी आ जाता है। तब तो मतलब आप बंदे को, बच्चे का नाम किसी जहन हो ना, बंदा का जहन खाना पक गया तो वो भी दौड़ आता है। ऐसा है, बिल्लियाँ भी ऐसे आ जाती हैं? बिल्लियाँ उनकी अपनी। अच्छा, इन 8 के नाम बताओ एक एक करके। एक का नाम मक्खन है। मक्खन बिल्ला। अच्छा, एक का मन्नो। मन्नो बिल्ली है। बिल्ली है। माटो। माटो। और जैक। जैक, ये तो कुत्ते का नाम नहीं होता? नहीं नहीं, दोस्ता उसका रहता था, बिल्ली का। बिल्ली का या बिल्ले का? बिल्ले का। बिल्ले का। और कितने हो गए? ये 4। 4 हो गए, बाकी 4। ये पे लिली। लिली लिली लिली। अच्छा, और ये मानो। मानो 6 हो गए, और दो रह गए, पूरे हो गए 6 हो गए। आपने खुद का 4 के बाद 2-6। ए मक्खन, दो ने अपना नाम नहीं बताया होगा अभी तक। ए मक्खन, ए जैक। चल चल छोड़, पूरे हो गए, पूरे मजाक कर रहा था मैं। ये टोपी आपने मेरी चुराई? नहीं, मेरी भी वैसी ही है।
कहाँ से लिया आपने ये? मैं ये आपने बिल्ली का बच्चा बेचा होगा उस कमाई से? हाँ मैंने, भाई ने दी थी गिफ्ट। आपकी सालगिरह कब होती है? सालगिरह याद नहीं। अपनी सालगिरह याद नहीं है? ओह माय गॉड, तो ये जो आपकी बिल्लियाँ हैं इनकी सालगिरह आपको याद होती है? इसी याद मनाते हो? पहली बिल्ली की सालगिरह? पहली सालगिरह मनाते हैं बिल्ली। अच्छा, केक काटते हो? हाँ जी। अच्छा, तो फिर क्या एंजॉयमेंट के लिए कोई डिमांड तो नहीं करते? नहीं। क्या मैं वहाँ जाना है या मैं वहाँ जूली लेने जाना है? नहीं। जिस तरह बच्चे करते हैं छोटे छोटे? नहीं, ये कुछ नहीं कर मांगते? नहीं, खुश हो जाती हैं ऐसे ही। अच्छा, तो इनका फ्यूचर में मतलब सिवाय बेचने के, जो आप कहते हैं कि बच्चा 10-15 बार के बिक जाता है, उसके अलावा क्या फ़ायदा है इनका घर में? ये चूहे खा जाती हैं? नहीं। जो घरों में आम बिल्लियाँ होती हैं दूसरी, वो चूहे पकड़ती हैं ना, वो खाती हैं चूहों को, तो ये भी खा जाती हैं? नहीं खाती। क्यों? ये पर्शियन। हंसने वाली क्या बात है, क्यों नहीं खाती? पर्शियन बिल्लियाँ ये पर्शियन, ये आपने पर्शियन जो है ये मतलब पर्शियन, पर्शियन क्या होता है? पर्शियन पर्शियन बिल्ली होती है, वो महंगी बिकती है। चल कैट किस पर? ये देखो छलांगे मार रही है। सी ए टी, सी ए टी कैट, कैट। निकालो 50 रुपए। ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ ना आपको। मेरे पास अच्छा, तो भी है। आप जो लोग जो है ना कहते हैं, हुजूर पाक सल्लम की हदीस है कि बिल्ली को अगर मारो ना तो उसको रूई से मारना चाहिए, तो आपके घर में कभी किसी ने बिल्ली को मारा तो नहीं? प्यार करते हैं। कभी गुस्सा आ जाए कुछ चीज़, ये चीज़ों को खराब तो नहीं करते हैं? कुछ चीज़ पकी हुई है किचन में जाती हैं? किचन में जाती है, पर कुर्सी उधर कहीं कुर्सी पड़ी हो ना उस पर जाकर बैठ जाती है। अच्छा, नीचे खाना डाले ना तो फिर आती है बाद में, फिर वो चीज़ों खराब नहीं करती? नहीं। अच्छा, एक गाना चला हुआ है कि बिल्लू बग्गे बिल्लियाँ का की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्लियाँ का की करेंगी, तो वो थोड़े तो मेरे ख्याल फिट आता है, तो फिर आप इन्हें बग्गे हो तो बग्गे बग्गे बिल्ली बिल्लियाँ की करोगे? कुछ नहीं, बस शौक है। कितना देर तक शौक रहेगा? जब जवान हो जाओगे फिर भी रहेगा? इस उम्र में बच्चों को कुछ और शौक होते हैं, वो गेम में खेलते हैं बाहर जाके, पबजी और वो दूसरी गेम, क्या क्या गेम होते हैं मुझे पता नहीं है, मैंने कभी खेली नहीं, तो आपको बिल्लियों का शौक क्यों, मतलब कैसे पैदा हुआ? मैंने, मुझे गिफ्ट मिली थी ब्राउन वाली बिल्ली ना। अच्छा, 4 साल की है? अच्छा, 4 या 5 साल की। अच्छा, तो उससे मुझे शौक पड़ा, फिर मुझे टुटोता पड़ा। अच्छा, कुत्ता भी है मैंने रखा जैक, फिर घोड़े। जैक कुत्ते का नाम है? अभी आप कह रहे थे बिल्ले का नाम है। बिल्ली का पहले रहता था ना, फिर बाद में जैक। कुत्ते ने कहा कि नहीं ये नाम मैं रखूंगा भाई। जैक, जैक भी इसका नाम भी रहता, फिर घोड़े भी है मेरे पास। घोड़े भी हैं आपके पास? हाँ। नाजरीन, इनके पास घोड़े भी हैं, कुत्ता भी है, बिल्लियाँ भी हैं, बिल्ले भी हैं। भाई आप करते हैं क्या, कारोबार क्या है आपका? कुछ नहीं, कारोबार नहीं है, मतलब पापा का कारोबार है। पापा के पैसों पे मौज कर रहे हैं, उनके पैसे उड़ा रहे हो। अगर मुझे एक बच्चा चाहिए हो तो दे दोगे? इतने पैसों का ऐसे ले जाए? नहीं, पैसे तो आप लोगे ऐसे ही। कारोबारी बंदा ऐसे बख्शता नहीं है। नहीं, दे दोगे? हाँ। क्या दोगे, बिल्ली या बिल्ला? जो आप कहेंगे, जो मैं कहूँगा, बिल्ली भी बिल्ला भी दोनों मिल जाएंगे? पक्की बात है? ये रिकॉर्ड हो रहा है। एक एक करके मिलेंगे, दोनों इकट्ठे नहीं मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। नाज़रीन, ये हैं मेरे साथ हुसैन शाहिद, इन्होंने बताया कि ये बिल्लियाँ शौक़ से पाले हुए हैं और इनका खर्चा भी महीने का काफ़ी हो जाता है। शौक़ दा कहते ना, शौक़ दा कोई मुल नहीं होता। वाकई हमने देखा है कि बिल्लियाँ पालते हैं, बिल्ले पालते हैं, उनके साथ खेलते रहते हैं, तो ये घर में एक रौनक की तरह रहते हैं। जानवर जो है बहुत मानूस हो जाते हैं इंसानों के साथ, अपने मालिक के साथ, तो इनको पहचानते भी हैं, जब ये बुलाते हैं इनके पास दौड़े दौड़े चले जाते हैं, इनके साथ खेलते भी हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई पैगाम मेरे चैनल की तरफ से देना चाहेंगे? ये तो कह दो ना भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। उनकी तरफ बोल के मेरे चैनल को, आपका चैनल ही कोई नहीं है, मेरा चैनल बज़्मी नामा, उसको सब्सक्राइब कर दे। बोलो कर दे भाई, कपाई आपका ही, क्या करें, सब्सक्राइब बोलना, लाइक कर दें।
लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं करना और शेयर भी करना, शेयर भी करना, लाइक कर, सब्सक्राइब नहीं करना है ना, कर दे वो भी कर दे जो मैं कह रहा हूँ वो कर दे हैं। जी नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरा चैनल बज़्मीनामा सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद वीडियोस के लिए बेल आइकॉन यानी घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक फौरन पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, रब रखा।